Devina. And I'm Bipin. So guys, we have big announcement to tell you guys. Yay! That we are pregnant. The sound which tells us like we are pregnant bahut hi ajeeb sa lagta hai. Yeah. Because we are not totally used to it still. And we are into our fifth month. So हम लोग को ये अनाउंसमेंट करना था एंड वी थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेल यू गाइस. एक्चुअली दिस टाइप ऑफ इवेंट्स लाइक मतलब आपकी पहली प्रेगनेंसी इज ऑलवेज लाइक यू नो इट हैपेंस ओनली वंस द फर्स्ट प्रेगनेंसी विल बी ओनली हैपेंस वंस तो वी ऑलवेज वांटेड टू सेलिब्रेट इट बट हम लोग थोड़े स्केप्टिकल थे कि कोविड के कारण ऐसे बाहर जाएं कि ना जाएं और यू कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ इंडिया गिवन दैट देयर वर लॉट ऑफ इंटीग्रेसीज आर देयर मींस if you we are thinking about going to Maldives or this one out of India places beach places because we both are the beach ladies yeah, we want to go to beaches, like beaches yes. But there's a lot of intricacies involved in that so we thought okay let's explore the India yeah. And thank you so much for Devina for yes. You know, sponsoring this whole trip and I really love so we are in Udaipur now. If you don't know already, yeah, Udaipur, the city of lakes. Lakes, yeah. Yes. और हम लोग यहाँ अपने baby moon को celebrate करने आए हुए हैं. So हमेशा से we thought like every year we celebrate our anniversary like it's very special for us and we went to Maldives for our honeymoon and anniversary में भी हमेशा हर जगह हम लोग जाते थे. अपार्ट फ्रॉम लास्ट ईयर ही हम लोग साथ धोखा हो गया. लास्ट ईयर हमारी पूरी टिकट थी पेरिस और स्विट्जरलैंड की वो अभी तक पैसा भी नहीं मिला है उन लोगों को बाय द वे गाइस. सो वही तो हम मेरे को लगा कि बच्चे को भी पता चलना चाहिए जब वो आएगा तो हम लोग उसके लिए बेबी मून गए थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए. सो मतलब राजपूताना खून जो है वैसे तो ड्रगों में दौड़ रहा है बट थोड़ा सा एनवायरमेंट देने के लिए. सीरियसली यार नहीं सीरियसली मैं आपको उदयपुर का पूरा ब्लॉग मेरा डिफरेंट रहेगा सो स्टे ट्यून्ड फॉर गाइस अभी अपलोड हो गया होगा या होने वाला है सो आप देख लेना. बहुत बहुत अच्छा है हाईली रिकमेंड यू गाइस इफ यू हैव नॉट विजिटेड उदयपुर तो प्लीज आना यहाँ पर बहुत अच्छा लगा बिल्कुल. हाँ सो गाइज बहुत हो गया हम लोग क्यों आए थे हम लोग यहाँ अब बताते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा था हमें कैसे पता चला एंड द बैक स्टोरी विल स्टार्ट. सो हम लोग अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए रायपुर में लाइक वी हैव टू स्टार्ट इट्स आवर ऑलरेडी 4 years ऑफ आवर मैरिज तो हम लोग का ये भी था ना कि मतलब आई गेस मेन रीजन हम लोग का ये था कि हम लोग होम टाउन आ रहे हैं एंड इट इज़ अ लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस मतलब क्योंकि हाँ वर्क फ्रॉम होम था और ये था कि फॉर जब बेबी मतलब आता है राइट सो लाइक दिस 9 months आर वेरी क्रुशियल बिकॉज गिवन द इफ यू आर अ वर्किंग लेडी सो इफ यू कैन गेट अ सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट स्पेशली फ्रॉम हर मॉम बिकॉज फॉर मतलब एक बेटी के लिए उसकी माँ जो होती है मतलब दे आर वेरी मच कनेक्टेड सो आई वी थॉट दैट यू नो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और a blessing in the disguise in this yes. COVID that we are getting opportunity to work from home mm-hmm. and so yeah no matlab hum log baby plan mera to aisa tha main baby plan karne se pehle hi मतलब जब मैं इंस्टाग्राम में बच्चों को देखती थी मतलब जो मैं जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ उनके बेबीज के तो वो बहुत ज्यादा लगता था मतलब मेंटली भी वी आर प्रिपेयर्ड थे कि मतलब आई गेस 4 साल हो गए हैं शादी के तो मतलब अब नाउ आई थिंक वी आर एबल टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी या देन वी थॉट लेट्स प्लान इट एंड होपफुली थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स सबके गुड विशेस से हम लोग ये गुड न्यूज बता पा रहे हैं आप लोगों को. सो हाउ इट वेंट लाइक दिसंबर में था एंड अभी लाइक हम लोगों को ये था कि मतलब हम लोगों को पता चल गया था कि वी आर बट वी हैव टू मेक श्योर 100% श्योर होना था तो बीइंग अ क्यूए एनालिस्ट मैं 3-3 स्ट्रिप लेके आया था या कि मतलब एक में नहीं हुआ तो चलो 3 लेट एंटिल एनालिस्ट वी गेट 3 पास सो या आई हैव आल्सो एज अ यूट्यूबर हूं तो मेरे को हर चीज का वीडियो और फोटो से लेना ही होता है सो फॉर द टेस्ट वी हैव डन आई हैव पुट वीडियो आल्सो होप आई पुट हियर बिकॉज हम दोनों उस टाइम सोके उठे थे बहुत ही गंदे लग रहे सो प्लीज एक्सक्यूज दैट. और ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड कि जब मुझे मतलब मैंने टेस्ट किया तब मतलब मैंने सुना हुआ था मेरे क्लोज जो फ्रेंड है उसका डिडंट नॉट वेंट वेल सो मैं क्या होगा पता नहीं यार मतलब 2-3 months में भी लोगों को ऐसा हो रहा है तो मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मेरे को लग रहा था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँ क्योंकि आफ्टर मतलब अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बताते हो तो उनको भी सुन के बहुत बुरा लगता है ये चीज़. सो हम लोग को बिल्कुल मेक श्योर करना था एंड द डेट आई विल पुट हियर इवन आई डोंट रिमेम्बर बट आई हैव स्टार्टेड जर्नलिंग बुक बेबी का जर्नलिंग बुक है उसमें हर कुछ सब कुछ डाला हुआ है तो आई विल पुट द डेट
जिस दिन हम लोग टेस्ट किए थे, एंड उसके बाद मुझे लगा मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती थी. तो लकली मतलब हमारे मतलब हमारी जो कजिन ब्रदर है, मतलब हमारी जो भाभी है, एक्चुअली भाभी विपिन की जो भाभी है, एक्चुअली शी इज एमएस इन गायनी. सो आई थॉट वी थॉट दैट हम लोग को लगा कि मतलब शी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर इन द फैमिली और मतलब अभी भी स्टिल आई एम टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम हर. मतलब कुछ भी मेरे को होता है मैं उनको तुरंत फोन करती हूँ, एंड इट्स लाइक अ ट्रूली ब्लेसिंग फॉर हर हैविंग अ सिस्टर इन लॉ. मतलब बहुत ही मतलब लकी, वी फील रियली ग्रेटफुल एंड लकी एट द सेम टाइम कि मतलब आपके परिवार में कोई मतलब गायनी है इतना. उसके बाद तो मैंने उनको सबसे पहले फोन किया, और शी विल ऑलवेज बी बिजी यू नो, तो मैं बोले कॉल बैक करिएगा जब भी है. तो शी कॉल मी बैक अराउंड 10:30-11 o'clock. मैं बोली व्हाट टू हैव टू डू. हम लोग थ्री, मैंने उसमें पूरा बता दिया, थ्री में हम लोग ये पॉजिटिव आ गया है. उसके बाद फिर आगे भाभी ने सजेस्ट किया था कि एक बार वो कराते अल्ट्रासाउंड टू बी श्योर, जस्ट विद इन 15 अल्ट्रासाउंड प्लस ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट हाँ, बिकॉज ब्लड टेस्ट विल बी लाइक दैट विल बी अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम नेक्स्ट टेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी जो है लगातार चेंज होगी. तो दैट विल बी लाइक मतलब फर्स्ट मंथ में क्या था, सो दैट वी कैन ट्रैक इट 9 months में. अपन ज्यादा तो नहीं जा रहे हैं. तो मैंने उस टाइम डॉक्टर से कंसल्ट, मतलब डॉक्टर ने किया था, मैं बस गई हम लोग. एंड वी आर वेरी लकी दैट मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं उसके सामने में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ रायपुर. मैं मतलब वो बताया, मैं ऑफिस के बाद दूसरे दिन मैं गई हॉस्पिटल, और वहाँ पे जाने के बाद मेरे को पहली बार पता चला कि व्हेन यू आर डूइंग अल्ट्रासाउंड यू हैव टू गेट एन आधार फर्स्ट, बिकॉज़ इट इज काइंड ऑफ In India, ultrasound is more like a legal or like a controversial term. So, पूरा मतलब documentation होना चाहिए और doctor का doctor के इसमें होना चाहिए. तो हम लोगों ने फिर दादा को call, विपिन के भाई को call किया कि भाई he is doing MS in surgery. So उन्होंने फिर reference लिख दिया कि ultrasound बोला है, it's invasive है. So हम लोगों ने उनको दिखा दिया. तो ऐसा करके, और उसमें डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ है करके, प्रेगनेंट हो आप बोल दिया. तो हम लोग सोचे, हम लोगों को प्लान करना था, वो भी मैं बताऊंगी, अभी वीडियो भी डालूंगी. हम लोग दोनों को अपने फैमिली को सरप्राइज करना था, बिकॉज इट्स अवर फर्स्ट किड और सब कुछ स्पेशल होना चाहिए. तो उसके बाद उसी शाम को शायद कि दूसरे दिन, आई एम नॉट श्योर, सेकंड जब अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट्स आ गई, हाँ रिपोर्ट्स लाइक वी आर हैविंग ना, फिजिकली रिपोर्ट आ गई. उसके बाद फिर उसी दिन शाम को फिर अपन केक लेके आए थे. हाँ केक लेके आए थे, वी कैन विल एड हियर कि हम लोग अपने मेरे फैमिली को फिर सरप्राइज किया. एंड दे आर रियली रियली घर वाले तो समझ में नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया. उनको लग रहा था कि कुछ ऑफिस से रिलेटेड है हम दोनों का, ऑफिस से रिलेटेड कुछ सोच रहे थे. दे हैव नॉट इवन थॉट ऑफ दैट वी आर प्रेग्नेंट करके. फिर उसके बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी, ऑफ कोर्स सी बात है, दे वर वेरी वेरी हैप्पी. एंड आफ्टर दैट इन द सेम वीकेंड विपिन की फैमिली आने वाले थे. या मेरी मॉम का ऑपरेशन था उस टाइम पे. हां तो इट्स लाइक माइनर, डोंट वरी गाइस, शी इज फाइन. सो उसके बाद फिर वो आए ना, बट या दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी यार. मतलब इट्स वॉज वेरी स्पेशल मोमेंट एंड वी थॉट टू शेयर विथ यू ऑल. सो या सो ऐसा हो गया था कि मतलब जब हम लोग को पता था कि नहीं, मतलब जब व्हेन यू गेट दिस टाइप ऑफ न्यूज राइट, तो मतलब आपके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट वंस यू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद द फैमिली, सो दे रियली सपोर्ट एंड उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि यस वी आर रेडी टू हैंडल द बेबी. मतलब उसके पहले लगता ही नहीं था कि कैसे करेंगे लाइक. एंड देन योर, व्हेन योर डैड नोस, व्हेन योर मॉम, योर इन-लॉज, एवरीवन इज अवेयर, देन यू फील काइंड ऑफ एक मतलब सिक्योरिटी सा फील होता है ऐसा करके. तो दैट वी रियली फेल्ट. और मतलब व्हेन इट कम्स टू माय बॉडी चेंजेस, मुझे बहुत ज्यादा मतलब टायर्डनेस लगता था. मैं आफ्टरनून में मतलब लंच टाइम में आधा एक घंटा तो सोती थी, मतलब इतना नींद लगता था मुझे. और मेरे को यूट्यूब बिल्कुल मेरा छूट गया था. इफ यू गाइस नो ऑलरेडी कि मैं एक दो महीने से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, कि मतलब मन ही नहीं करता था यार कुछ करने का, ऐसा लगता था बस आराम ही करते रहो. सो बहुत सारी चीजें, बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे वॉमिट हो रहा है. खाना आपका कितना दूध बढ़ गया है. हाँ खाना मेरा बहुत बढ़ गया था. और मेरे को क्रेविंग्स नहीं होती है, बट अभी भी स्टिल आई डोंट क्रेव फॉर कुछ मेरे को पर्टिकुलर खाना है. मुझे जो मिल जाता है आई एम हैप्पी इन दैट. ये सारी चीजें, तो ये सारी आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट कि मतलब मैं बहुत ज्यादा ब्लॉज. मेरी फ्रेंड्स और मेरे जो रिलेटिव्स बताते हैं कि उनको मतलब जो भी खाते हैं सब बाहर हो जाता है वॉमिट के कारण. सो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ. सो ये चीज मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ. एंड स्टे ट्यून, सो मेनी वीडियोस आर कमिंग, सो मेनी वीडियोस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और सारा कुछ मेरे चैनल पे आएगा. एनीथिंग एल्स?
Yeah, so हम लोग बहुत दिन से नाम का भी सोच रहे थे. If you guys seriously यार, हम लोग दोनों को समझ में नहीं आ रहा है. तो मतलब मैं तो हम मतलब मेरे को तो लग रहा है कि it will be a boy and let's see how. मुझे थोड़ा गर्ल का ज़्यादा हो है. और इंडिया में वैसे भी we cannot check that sex of the baby. Seriously. So we are. Indians names guys. हाँ, इंडियन नेम्स वी आर लुकिंग फॉर बॉय एंड गर्ल. बताना यार, प्लीज सजेशन करना यार, सीरियसली. मतलब डी और बी का करोगे तो वेल एंड गुड है, ए भी चलेगा हम लोग. क्योंकि हमारा नाम भी थोड़ा सा एकदम डी एंड बी, देयर नॉट दैट मच गुड नेम्स. मेरा नेम भी बहुत ज्यादा देविना और विपिन है, तो कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पा रहा है. लाइक डीना, ये थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा. तो आप लोग के अगर दिमाग में है और आप लोग कुछ सोचे हुए अपने बच्चे के लिए जो नहीं रख पाए और अच्छा है, तो वो प्लीज मुझे बताना यार, सीरियसली. We were very grateful for that as well. And yeah guys, we really want your blessings, support, share it in comment section. और आपका experience कैसा था आप भी अपना बताना, let's chat in comment section. We'll see you on our next video. Till then, take care of yourselves. Bye bye.